माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश कॉटेज एंड अविनाश मेहता वेलकम्स यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट्स। आज हम लोग करने वाले हैं आपके बुक रेनबो पार्ट टू का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। अब इसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग। किसका सपना है ये? मेरा एक सपना है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे ये भी हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी सारे चैप्टर्स के, यानी कि चैप्टर थ्री तक और पोएम में भी चैप्टर थ्री तक बना दिया है वीडियो, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने बनाया है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो का, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज का, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां से बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम अविनाश इंग्लिश है। अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम ऐप उसमें सर्च कर लीजिएगा अविनाश इंग्लिश, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा। लेकिन आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है, तब आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज आई हैव अ ड्रीम का, यानी कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा हुआ है चैप्टर। इसमें मार्टिन लूथर किंग क्या क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक एक्टिविस्ट थे, यानी कि अमेरिका के सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट कहने का मतलब क्या है कि सामान्य आदमी के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक कार्यकर्ता। ओके, सामान्य आदमी के अधिकार के लिए एक लड़ने वाले ये कार्यकर्ता थे। तो सामान्य आदमी के किस तरह का अधिकार के लिए लड़ते थे? तो अमेरिका में ना उस समय क्या प्रॉब्लम था, तो अमेरिका में उस समय भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। किस तरह का भेदभाव? तो ब्लैक लोगों के बीच और व्हाइट लोगों के बीच, यानी कि जिन लोगों का चमड़े का रंग, स्किन का कलर ब्लैक होता था ना, उनके साथ व्हाइट लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। उनको अच्छे पोस्ट पे जॉब नहीं मिलती थी, उनके साथ सम्मान नहीं होता था, उनको नीचे दृष्टि से देखा जाता था। तो इसी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किए, और इनका जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ था, 1968 में इनकी मृत्यु भी हो गई। ओके, यानी कि सिर्फ देखे तो 39 साल ही ये जिंदा रहे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, ये अपना जो ट्रेनिंग है ना, ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर के तौर पे कंप्लीट किए थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहने का मतलब क्या है कि चर्च के एक पादरी के रूप में इन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया था, मतलब चर्च के एक पादरी का इन्होंने ट्रेनिंग लिया था, चर्च के फादर का, जो चर्च में फादर होते हैं उन्हीं के रूप में ये ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन आगे चल करके ये चर्च के पादरी नहीं बन करके अपने करियर के अर्ली स्टेज में, यानी कि अपने करियर के शुरुआत में, ओके, ये बन गए क्या, सिविल राइट एक्टिविस्ट। मतलब कि ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर का ट्रेनिंग करने के बावजूद चर्च का पादरी नहीं बनकर के, चर्च का फादर नहीं बनकर के, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट में हिस्सा लिए और सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए, यानी कि मानव अधिकार के लिए कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता बन गए। ओके, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनके जैसे रंग के लोगों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है अमेरिका में, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़े। और एक बहुत बड़ा आंदोलन मोंटगोमेरी बस बायकॉट आंदोलन। ओके, यहाँ पे मोंटगोमेरी क्या है, तो अलबामा नाम का एक स्टेट है, उसी स्टेट का एक कैपिटल है अमेरिका में। ओके, उसी स्टेट के अंदर, जो कैपिटल सिटी के अंदर, मोंटगोमेरी के अंदर बस बायकॉट ये लोग किए थे। बस बायकॉट करने का मतलब क्या है, तो बस बायकॉट करने का मतलब है कि कोई भी ब्लैक आदमी अब उन बसे में नहीं चढ़ेगा जिसमें गोरे लोग हैं। ओके, यानी कि बस को पूरी तरीके से बायकॉट ये लोग कर दिए, पूरी तरीके से बस पे चढ़ना ये लोग बंद कर दिए, उसका अवहेलना किए। ओके, विरोध जताए कि बस में भी भेदभाव होता है, इसलिए हम लोग बस में नहीं चढ़ेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। ओके, और आगे चल करके इसका नतीजा हुआ कि इन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, ओके, इसका इन्होंने स्थापना किया, फाइंड आउट किया इसको। ओके, यानी कि ये शुरुआत किया मोंटगोमेरी बस बायकॉट से, और साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया, और इसी पार्टी के माध्यम से, इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और गांधी जी के फिलॉसफी से, गांधी जी के सोच से। ओके, कौन सा सोच, तो नॉन वायलेंट। ओके, यानी कि अपने आंदोलन को ये भी अहिंसक तरीके से, जो रेजिस्टेंस है, जो आंदोलन है, ओके, विरोध है, वो अहिंसक तरीके से दर्ज करेंगे ये भी, ऐसा ये माने, और गांधी जी के तरीके से देखा जाए तो चरण कदमों पे चले। ओके,
और आगे चल करके पूरी दुनिया का ये अटेंशन ड्रॉ किए, मतलब पूरी दुनिया का नजर इनके ऊपर पड़ा कि ये भी एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को बिना किसी मार काट का होके नॉन वायलेंट तरीके से अहिंसक तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी के जैसे ही, महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। आगे कहा गया कि 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ओके, यानी कि सबसे बड़ा जो प्राइज है, ओके, एक तरीके से देखा जाए विश्व का, तो नोबेल प्राइज इनको दिया गया। क्यों? तो इनके प्रयासों के लिए, इनके एफर्ट्स के लिए, प्रयासों के लिए, किन प्रयासों के लिए? टू एंड सेग्रेटेशन एंड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अलगाववाद। सेग्रेटेशन का मतलब होता है अलगाववाद और रंग रूप के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव को खत्म करने के लिए, रंग रूप के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए और अलगाववाद को, सेग्रेटेशन को खत्म करने के लिए जो इनका प्रयास था, इसी प्रयास के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और एक इतिहास ये रचे, यंगेस्ट पर्सन बन गए, यानी कि सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज को पाने वाले व्यक्ति बन गए, ओके। और अपने सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से, मतलब कि ये चीजों को डिसोबीडियंस करने लगे, जैसे बसों को बैकआउट करने लगे, बहुत सारी चीजों को बैकआउट करने लगे, ओके, और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़े और जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ ये आवाज उठाए, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि अपने बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और बायकॉट करना, ओके, शुरू किए चीजों को और आंदोलन को अपने आगे बढ़ाते रहें बिना किसी हिंसा का, ओके। लेकिन आगे चल करके दुर्भाग्य की बात थी कि इनकी हत्या हो गई, इनका एसेसिनेशन हो गया। एसेसिनेट का मतलब होता है हत्या होना, राज हत्या होना, ओके। तो इनका हत्या हो गया 4 अप्रैल 1968 को, यानी कि 39 साल की उम्र में इनका हत्या कर दिया गया मेम्फिस नाम के जगह पे, ओके, तेंसी, मेम्फिस तेंसी, ओके, एक जगह है वहीं पे इनका हत्या कर दिया गया 4 अप्रैल 1968 को, ओके। एसेसिनेशन इसका हो गया, हत्या हो गया। इनके कुछ महत्वपूर्ण काम है, कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण काम है जो किताबें इन्होंने लिखी है इतने कम उम्र में ही, काफी बेहतरीन किताबें जो पूरी दुनिया में फेमस हुई, ओके, स्ट्रेंथ टू लव, ओके, 1953 में आया था। स्ट्रेंथ टू लव कब आया था? 1953 में, याद रखेंगे। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी, यानी कि ये जो आंदोलन था उनका मोंटगोमरी से शुरू हुआ था ना 1958 में, यही एक किताब में अपने लिखे थे, ओके, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, ओके, उसमें ये स्टोरी लिखे थे मोंटगोमरी वाला, बस बायकॉट वाला, ओके, व्हाई वी कैनॉट वेट, ओके, 1964 में लिखे थे इस किताब को। और एक और किताब है इनका, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, यानी कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, काओस और कम्युनिटी, ओके, यानी कि हम लोग यहाँ से बिखरेंगे, अपने कम्युनिटी को पालेंगे, ओके, अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, कम्युनिटी के तौर पर हमें दिखा जाएगा अपने अमेरिका में, ओके। तो ये सब उनका किताबें हैं, इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है, याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, ओके, किसके द्वारा दिया गया था स्पीच? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था, और उसी स्पीच को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक और स्पीच हमने पढ़ा है, जाकिर हुसैन वाला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, ओके, जाकिर हुसैन वाला जो चैप्टर है, ओके, भारत इज माई होम, वो भी एक स्पीच है, और ये भी एक स्पीच है, ओके, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, ओके, याद रखिएगा। ये स्पीच कब दिए थे ये? तो ये स्पीच दिए थे 28 अगस्त 1963 को, ओके, वाशिंगटन डीसी, एक जगह है अमेरिका में, ओके, वहीं पे, और लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, उन्हीं के मेमोरियल, एक तरीके से एक हॉल था वहां पे, ओके, वाशिंगटन डीसी में एक लिंकन के मेमोरी में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, उसी कम्युनिटी हॉल के अंदर ये भाषण दिए थे, ठीक है, आप लोगों को संबोधित किए थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो क्या है ये? एक स्पीच है, याद रखिएगा। Here, अब ये क्या के इसमें बात करते हैं हम लोग देखेंगे, ओके, हियर ही स्पीक्स, यानी कि अपने इस भाषण में वो बात करते हैं अपने ड्रीम के बारे में, अपने सपने के बारे में, क्या सपना है इनका? तो अलबामा जो स्टेट है, ओके, एक स्टेट है जो काफी पिछड़ा हुआ था, वहां पे सिर्फ ब्लैक लोग ज्यादा रहते थे, तो अलबामा को एक डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं, इनका यही सपना है कि मैं अलबामा को एक विकसित राज्य देखना चाहता हूं अमेरिका के बाकी राज्यों के तरह, और चाहता हूं कि जो अलबामा है वो फ्री हो जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए रेसकल डिस्क्रिमिनेशन से, ओके, रेसकल डिस्टिंक्शन से, यानी कि अलगाववाद से, उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था अलबामा को वहां पे, क्योंकि निग्रोज रहते थे, ब्लैक स्किन वाले लोग रहते थे, इस वजह से उसका डेवलपमेंट ये लोग नहीं करते थे गोरे लोग, और वहां जो व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच था काफी ज्यादा भेदभाव था, गहरी खाई थी, ओके, वो इस खाई को भरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अलबामा भी एक स्वतंत्र राज्य के तरह उभरे और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, ब्लैक लोग व्हाइट लोग एक साथ मिल करके काम करें, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तो यही उनका सपना है कि वहां पे जो ब्लैक लोग है ना उनको भी समान अधिकार मिले, ओके। द स्पीच एंड द ह्यूज इंपैक्ट इन
रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और यह जो भाषण है ओके, जो भाषण वो दिए थे वहाँ लिंकन हाउस में, इसका प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा लोगों के ऊपर, इसका रेजिंग इफेक्ट पड़ा ओके, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और लोग उनके इस बात को समझे, कॉन्शियस हो गए, लोग सचेत हो गए, लोग अलर्ट हो गए और जो सिविल राइट मूवमेंट है इनका, यानी कि जो सामान्य लोगों के लिए अधिकार के लिए जो इनका आंदोलन है वो काफी आगे बढ़ा और मार्टिन लूथर किंग को, किंग का मतलब यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एस्टेब्लिश कर दिया इस आंदोलन ने, यानी कि स्थापित कर दिया अमेरिका के इतिहास में सबसे महान ऑरेटर्स के रूप में। ऑरेटर्स का मतलब होता है स्पीकर, वक्ता, जो अपने बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से रखता है, जिसके बातों से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको ऑरेटर कहते हैं, वक्ता कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो ये अमेरिका के सबसे महान वक्ताओं में शामिल हो गए इस आंदोलन के बाद, इस भाषण के बाद लिंकन हाउस में जो वो भाषण दिए थे। ठीक है, क्या भाषण दिए थे हम लोग इसमें पढ़ेंगे और किस बारे में भाषण दिए थे, तो ये तो आप समझ गए कि समान अधिकार के लिए ब्लैक लोगों और व्हाइट लोगों के बीच, क्योंकि ये भी एक ब्लैक स्किन वाले व्यक्ति थे, तो ये चाहते थे कि कोई भेदभाव नहीं हो जो इनके साथ हुआ था ओके, ये सारी चीजें बाकी लोगों के साथ नहीं हो, समान अधिकार मिले इनके साथ, इनके जैसे कई सारे लोगों के साथ होता था अमेरिका में। तो चलिए आगे वो कह रहे हैं, अबाउट 100 ईयर्स एगो, यानी कि कह रहे हैं कि लगभग 100 साल पहले जो अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमनेशन पे साइन किया था ओके। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमनेशन का मतलब क्या होता है, एक दास मुक्ति घोषणा पत्र पे ओके। प्रोक्लेमनेशन का मतलब होता है घोषणा, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति घोषणा पत्र ओके, दास मुक्ति घोषणा पत्र, मतलब ब्लैक लोगों को अधिकार दिया जाएगा, उनको दास बना करके नहीं रखा जाएगा, उनको गुलाम बना करके नहीं रखा जाएगा, इस तरह के एक घोषणा पत्र पे साइन किए थे अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आज से 100 साल पहले, जब ये भाषण दे रहे हैं उस दिन से 100 साल पहले, उस दिन ये भाषण में अपने कह रहे हैं कि जितने भी निग्रो स्लेव हैं, यानी कि जितने भी ब्लैक स्किन वाले लोग, निग्रो इनको कहा जाता था, जितने भी ये गुलाम जिनको समझा जाता है, स्लेव समझा जाता है, ये सब फ्री हो जाएंगे इस घोषणा के बाद, ऐसा माना गया था कि जब अमेरिका के जो सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन घोषणा पत्र जारी किए थे और बोले थे कि आज के बाद कोई भी निग्रो गुलाम नहीं माना जाएगा और अमेरिका में उसको आजादी मिलेगा, उस समय इन लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था कि इन लोगों को आजादी मिलेगी, फुल राइट्स मिलेगी ओके, पूरी आजादी मिलेगी, ऐसा प्रॉमिस किया गया था और ये एक सामान्य सिटीजन के तरह, सामान्य नागरिक के तरह अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी आजादी को एंजॉय कर पाएंगे ओके, ऐसा प्रॉमिस किया गया था। लेकिन 100 साल बीत चुके हैं उस घोषणा पत्र पे साइन किए हुए, उस महान राष्ट्रपति को उसके मरने के बाद भी, 100 साल के बाद भी ओके, ये जो इमेंसिपेशन है, ये घोषणा पत्र जो है, ये जो मुक्ति, दास मुक्ति जो है, ये स्लेवरी से, गुलामी से आज तक वो नहीं हो पाया है और जो निग्रो है वो आज भी फ्री नहीं है, यानी कि आज भी ब्लैक स्किन वाले लोग फ्री नहीं है, जबकि इस घोषणा पत्र पे साइन किए हुए 100 साल हो गया उस अमेरिका के राष्ट्रपति को, लेकिन फिर भी आज भी जो यहाँ पे निग्रो लोग हैं वो फ्री महसूस नहीं करते हैं और वो गिटोज में रहते हैं, गिटोज का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियों में ओके, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ओके, उनको सेग्रीगेट कर दिया गया है, सेग्रीगेशन का मतलब अलगाववाद, उनको शहर से अलग रखा जाता है, अलग किसी हिस्से में उनका छोटा सा झोपड़ी ओके, झुग्गी झोपड़ी होता है और उनको न्याय नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है, दे फाइंड नो जस्टिस, उनको न्याय नहीं मिलता है, वो न्याय नहीं पाते हैं, दे लिव इन मिजरेबल पॉवर्टी, वो दयनीय गरीबी की स्थिति में रहते हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत मिजरेबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुख से भरा हुआ और गरीबी से भरा हुआ इनका जीवन है ओके। तो ब्लैक लोगों का 100 साल के बाद भी ऐसा स्थिति है, वो ऐसा कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ये एक रिमाइंडर है, मेरा जो आज का भाषण है वो एक रिमाइंडर है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना ओके, मैं एक यादगार मोमेंट के रूप में आज का भाषण दे रहा हूँ कि 100 साल के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये भाषण मैं सरकार को चेता रहा हूँ ओके। और आगे वो कह रहे हैं कि ये फोर्सफुल रिमाइंडर है, यानी कि सरकार को, अमेरिका के नेशन को, यानी कि अमेरिका देश के गवर्नमेंट को ओके, अमेरिका देश को ये हमारा एक चेतावनी है ओके, मैं फोर्सफुल चेतावनी दे रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने किया था ओके, जो प्रॉमिसेस उनके द्वारा किया गया था कि निग्रो जो हैं उनको आजादी मिलेगी, लेकिन वो प्रॉमिस वे लोग पूरा नहीं किए, प्रॉमिसेस हैव नॉट बीन केप्ट का मतलब प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया गया ओके, यानी कि वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, हमें आजादी नहीं मिली आज तक, हमें दास के तरह ही देखा जाता है, गुलाम की तरह ही देखा जाता है ब्लैक स्किन वाले लोगों को। देयर इज जस्टिस इन अमेरिका, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जस्टिस नहीं है, अमेरिका में न्याय है,
लेकिन निग्रो इज डिप्राइव्ड ऑफ इट, निग्रो को न्याय नहीं मिला है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, न्याय तो अमेरिका में चारों तरफ है, लेकिन निग्रो जो लोग हैं, जो ब्लैक स्किन के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता है। देयर इज ऑपुलेंस इन अमेरिका, अमेरिका में ऑपुलेंस भी है, यानी कि अमेरिका के अंदर आजादी भी है, अमेरिका के अंदर संपन्नता भी है, लोग संपन्न है, अमीर है, लेकिन गरीबी में रहते हैं यहाँ के निग्रो लोग। निग्रो लोगों को अमीरी नहीं देखने मिलता है, ये गरीबी में ही अपना जीवन जीते हैं। ओके, ही लिव्स इन सेग्रीगेशन, एक निग्रो बिल्कुल अलगाववाद का जीवन जीता है, मानो जैसे कि उसे अपने ही देश में एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल का मतलब निष्कासित, उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने ही देश से निकाल दिया गया है, किसी कोने में वो पड़ा हुआ है, अपने देश के अधिकारों से वंचित है। तो एक निग्रो को अधिकार नहीं मिला है, सबको अधिकार मिला है इस अमेरिका के अंदर, लेकिन एक निग्रो आजाद आज भी नहीं है। ओके, आगे वो कह रहे हैं कि अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन का ये बहुत ज्यादा अर्जेंसी अब हो गया है, मतलब बहुत अर्जेंट हो गया है, ये डिमांड है सिचुएशन का, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कह रहे हैं कि निग्रो अब इंतजार नहीं कर सकता है, अब बहुत हो गया, अब बहुत जरूरी है अपने आवाज को उठाना, अपने अधिकार को मांगना, छीनना। ओके, अब निग्रो वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा। द मूवमेंट विल कंटिन्यू, ये मूवमेंट चलता रहेगा अनअबेटेड, बिना रुके हुए, ये मूवमेंट बिना, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है हमारा, बिना रुके हुए चलता रहेगा, तब तक जब तक कि निग्रो को आजादी नहीं मिल जाता है, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जस्टिस नहीं मिल जाता है। ओके, देयर इज नो टर्निंग बैक, यहां से पीछे मुड़ करके देखने जैसा अब कुछ नहीं है, यह आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा। ही सेज, वो कहते हैं, दोज हू थिंक, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि यह आंदोलन जल्द ही स्पेंड अप हो जाएगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा, बीत जाएगा, तो मैं उनको सियोर कर देना चाहता हूं, उनको मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि ये एक आपके लिए रूड अवेकनिंग है, आपको अब जाग जाने की जरूरत है, आपके लिए चेतावनी है कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम लोग इस अमेरिका नेशन के, यानी कि इस अमेरिका देश के नींव को न हिला दें, यानी कि फाउंडेशन को न शेक करते हिला दें, यानी कि जो सरकार है, हम उस सरकार के नींव को हिला देंगे, हिला करके रख देंगे, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, जब तक यह सरकार का नींव न हिल जाए, यह सरकार जाग नहीं जाए और हमें अपना अधिकार दे नहीं दे, तब तक ये अब खत्म नहीं होने वाला है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आंदोलन दब जाएगा, यह आंदोलन दबने वाला और खत्म होने वाला नहीं है। आगे वो कह रहे हैं फिर, एडवाइस टू हिज पीपल, अपने लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं, जो निग्रो लोग हैं, बाकी के ब्लैक लोग, उनको सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, तो हिज पीपल डेट have greatly suffered in their quest for justice. वो कह रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे जैसे निग्रो लोग, ब्लैक स्किन के लोग, इस न्याय के प्यास को मिटाने के लिए, quest for justice का मतलब न्याय के इस प्यास को मिटाने के लिए, इस न्याय को पाने के लिए बहुत सफर किए हैं। greatly suffer का मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए हैं, बहुत सारे लोगों की तो हत्या कर दी गई, prosecuted यानी कि उनको सजा दे दी गई, उनको मारा पीटा गया, ओके, उनको जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर extortion किया गया, ओके, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, extort किया, उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने स्ट्रगल को जारी रखें, अपने आंदोलन को जारी रखें, और इस विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन उनका ये जो सफरिंग है, जो समस्या है, वो खत्म होगा ही। ओके, ये समस्या परमानेंट नहीं है, रिडम्प्टिव है। ओके, ये समस्या खत्म होगा और उनको आजादी मिलेगी, वो अपने आजादी को अर्न करेंगे, आजादी को अपने पाएंगे। ओके, इसी उम्मीद में वो आंदोलन को जारी रखे, और यह आंदोलन आज तक चलता आ रहा है और चलता रहेगा। He tells his people, अपने लोगों से वो कह रहे हैं कि उनका जो आंदोलन है, जो उनका स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, ओके, they should do no wrong, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें किसी भी तरह की गलती अपने तरफ से नहीं करना है। ओके, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करना है, यानी कि हिंसक नहीं होना है, हिंसा नहीं करना है, मार काट नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ओके, नफरत नहीं करना है, हेट्रेड नहीं करना है, किसी भी तरह का कड़वाहट मन में नहीं रखना है, बिटरनेस नहीं रखना है। वो कह रहे हैं, रिमाइंड करते हैं अपने लोगों को कि जो व्हाइट लोग है ना, वो कोई और नहीं है, बल्कि ये उनके अपने ही दोस्त हैं, उनके दुश्मन नहीं है, अपने ही देश के नागरिक हैं, उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ मार काट नहीं मचाना है, हमें आराम से, जैसे आंदोलन काफी सालों से चलता आ रहा है, ये आंदोलन चलेगा, ये अब नहीं रुकेगा, अब इसको थोड़ा तेज करना है आंदोलन को, लेकिन मार काट नहीं करना है, और ये आंदोलन खत्म तब तक नहीं करना है अब, जब तक कि हमें अपनी आजादी नहीं मिल जाए। आगे अब वो कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या सपना है इनका, मार्टिन लूथर किंग का? मार्टिन लूथर किंग इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, इस बात को लेकर के सुनिश्चित हैं कि इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, डिफिकल्टीज का मतलब समस्याएं, इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी, इतना निराशा, फ्रस्ट्रेशन हुआ उन लोगों को, ओके, इतना समस्या हुआ, इतना निराशा हुआ, इतना सिचुएशन खराब था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उम्मीद है कि सिचुएशन विल चेंज, यानी कि सिचुएशन बदलेगा, समय बदलेगा,
स्थिति बदलेगी हमारे देश की। हिसेज वह कहते हैं कि मेरा एक सपना है, उनका सपना क्या है कि एक दिन उनका सपना जरूर सच होगा, और सपना उनका तब सच होगा जब इनजस्टिस जो है और जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि अन्याय, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, जो भेदभाव और अन्याय है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा अमेरिका के अंदर, निग्रो लोगों के साथ यानी ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव जिस दिन नहीं होगा, उनको अधिकार मिल जाएगा, उस दिन उनका सपना पूरा होगा। द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स एंड सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स विल सिट टुगेदर एज ब्रदर्स। वो कहते हैं कि पहले जो लोग गुलाम बनाए थे, स्लेव बनाए थे, स्लेव ओनर्स का मतलब जो लोग गुलाम बनाए थे, जो ओनर थे यानी कि जो गुलाम बनाए थे, जो अत्याचार करते थे निग्रो पे, ओके, और जो अत्याचार सहते थे, फॉर्मर स्लेव्स का मतलब पहले जो लोग अत्याचार को सहते थे और पहले जो लोग अत्याचार करते थे, उन दोनों लोगों के, उन सब लोगों के जो सन्स हैं, जो बेटे हैं, वो एक साथ रहेंगे, ओके, एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, ओके, सिट टुगेदर, एक साथ उठ बैठ करेंगे, एक साथ घूमें फिरेंगे, ओके, एक ब्रदर्स के तरह, एक भाई के तरह, ओके, तब उनको लगेगा कि उनका आजादी उन्हें मिल रहा है, ओके, यानी पहले जो लोग गुलाम बनाते थे और जो लोग गुलाम बनते थे, उनके जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनके बेटे हैं, वो जब एक साथ, ओके, खड़े होंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ पढ़ाई करेंगे, एक साथ एंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, तब वो मानेंगे कि आजादी हमें मिली। ही हैज अ ड्रीम, उनका एक सपना है, एक दिन, ओके, वन डे, एक दिन जो व्हाइट बॉयज हैं, ओके, ये जो व्हाइट स्किन वाले लड़के हैं और जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपना हाथ से हाथ मिला करके ब्लैक बॉयज और ब्लैक गर्ल्स के साथ चलेंगे, तो उस दिन उनका सपना पूरा होगा, ओके, कोई भेदभाव नहीं होगा व्हाइट और ब्लैक के बीच। ही हैज अ ड्रीम, उनका एक सपना है, डैट, उनका एक सपना है कि, क्या उनका सपना है, वन डे ऑल ऑफ देम, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल विल सिंग टूगेदर, वी आर फ्री, यानी कि उनका एक सपना है कि एक दिन ये ब्लैक लोग और व्हाइट लोग सब लोग एक साथ मिल करके गाएंगे, वी आर फ्री, हम लोग फ्री हैं अब, हम लोग आजाद हैं अब, ओके, एक नेशनल एंथम जो हमारा होगा, व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम ब्लैक लोग गाएंगे और ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम व्हाइट लोग गाएंगे, और दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब हमें लगेगा कि वी आर फ्री, हम लोग एक साथ गाएंगे इस चीज को, ओके, वी आर फ्री, तब मेरा सपना पूरा होगा। तो यही है मार्टिन लूथर किंग का सपना। आई होप आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में वो क्या कहना चाहते हैं, ओके, अपने भाषण के माध्यम से, चैप्टर एक भाषण है, एक स्पीच है जो हम पढ़ रहे हैं, वो भाषण दिए थे लिंकन हाउस में, तो याद कर लीजिएगा इसको, ये एक स्पीच है, आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मार्टिन लूथर किंग क्या क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप लोग बने रहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, ताकि बाकी सारे लोगों तक हम पहुंच के उन्हें भी अच्छे तरीके से सिखा सके और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।